अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद अत्तारी बहरिया टाउन कराची से, और आप देख रहे हैं राइजिंग बहरिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं बहरिया टाउन कराची के मेन गेट से तकरीबन सिर्फ आधे किलोमीटर के फासले पे। आप जिस तरह देख सकते हैं, वो सामने बहरिया टाउन कराची का मेन सिग्नेचर गेट है, और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पर मेरी बैक साइड पर आप देख सकते हैं ये डोमिनियन मॉल है। ये डोमिनियन के 10 मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है जो डोमिनियन मॉल के नाम से है, जो ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स का मॉल है, और इसके ऊपर 3 टावर्स बनाए जा रहे हैं। ये तीनों जो टावर्स हैं ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के टावर्स हैं, जिसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। इनमें आप अपार्टमेंट इंस्टॉलमेंट में बुक करवा सकते हैं, वो भी सिर्फ 20 लाख रुपये डाउन पेमेंट से। इसके अंदर आप स्पोर्ट सिटी पैराडाइज़ की कोई फ़ाइल एडजस्ट करवाना चाहते हैं, फ़ाइल मर्ज करवाना चाहते हैं, तो उसकी ऑप्शन भी है। इसमें 1 बेड 2 बेड 3 बेड और 4 बेड अपार्टमेंट्स हैं, और आप देख सकते हैं जिस तरह इसका ग्रे स्ट्रक्चर जो वो तकरीबन 80% कम्प्लीट हो चुका है, और अगले 1-1.5 साल के अंदर इसका पोजेशन दे दिया जाएगा। और ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है, जैसे आप देख सकते हैं कि बहरिया का मेन गेट वो भी एक यही रहेगा, और ये उसकी मेन प्राइम लोकेशन पर ये है, मेंटेनेंस ऑफिस के बिल्कुल साथ है और मेन जिना एवन्यू के बिल्कुल करीब है। तो आप इसमें अभी आज ही अपना अपार्टमेंट बुक करवाएं। आप बुकिंग के लिए, मज़ीद तफसीलात के लिए, किसी भी तरह के सवाल के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रابطہ करें, आज ही अपना अपार्टमेंट बुक करवाएं। बहुत चांस डील है, बहुत लिमिटेड अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, और आप इसमें अपना अपार्टमेंट बुक करवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रابطہ करें। आप बहरिया टाउन कराची में इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना या बेचना चाहते हैं, आप हमसे रابطہ करें। आप बहरिया टाउन कराची से मुतल्लिक मज़ीद मालूमती वीडियोज़ देखना चाहते हैं, आप हमें फॉलो करें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन पे आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ज़रूर साइट भी जब विज़िट करते हैं, जब भी आप बहरिया टाउन कराची आपका आना हो, तो ज़रूर आप हमें खिदमत का मौका दें, हमारी साइट लोकेशन को भी विज़िट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।